नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 12 अप्रैल बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। उषा राज की बेटी पावली को देवास जेल भेजा, अब शैक्षणिक सामग्री के लिए पेरेंट्स को मजबूर नहीं कर पाएंगे स्कूल। पौधे लगाने के लिए जगह देखने गए वन विभाग की टीम पर हमला, TDS 3 और TDS 4 पर आई दावे आपत्तियां। तो आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के GPF गबन कांड में गिरफ्तार 10वीं आरोपिया और पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज की बेटी उत्कर्षणी उर्फ पावली को बुधवार शाम कोर्ट ने देवास जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तब पावली को 17 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया जाएगा। दरअसल GPF कांड की मुख्य आरोपिया उषा राज की बेटी और इस महा घोटाले की अहम राजदार उत्कर्षणी को 9 अप्रैल को भोपाल से गिरफ्तार कर पुलिस उज्जैन लाई थी, जिसे न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भैरवगढ़ थाना पुलिस को सौंपा गया था। बुधवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर पावली को न्यायाधीश अतुल यादव की कोर्ट में पेश किया गया। यहां सुनवाई के बाद उसे 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में देवास जेल भेज दिया है। यहां हम आपको बताते चले कि उत्कर्षणी के पास से पुलिस को बैंक लॉकर की चाबियां, लगभग 250 ग्राम सोने के जेवरात और 1 किलो चांदी मिली थी। रिमांड अवधि के दौरान उत्कर्षणी को पुलिस इंदौर भी ले गई थी, लेकिन वहां पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके पहले गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को भी 17 अप्रैल तक अलग अलग जेल भेजा गया है। अब सभी आरोपियों को 17 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो थाना भैरवगढ़ का अपराध है, उस अपराध में कई आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जाएगा। मैं एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था और उनसे करीब 32,50,000 रुपये की सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है, जो कि यह जो ज्वेलरी है वह गबन की राशि से ही खरीदी गई थी, ऐसी जानकारी मिली है। इस आधार पर उनको गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड प्राप्त किया था और उसके बाद आज उनका जुडिशियल रिमांड प्राप्त किया। अभी इस न्यायालय इस संबंध में विचार कर रहा है। पौधारोपण के लिए मंगलवार को वन विभाग की टीम जमीन देखने ग्राम देवीखेड़ा गई थी। इस दौरान वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें वन विभाग के रेंजर घायल हो गए। माकपोन पुलिस ने रेंजर की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पथराव का लाइव वीडियो भी सामने आया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस वीडियो पर। दरअसल वन मंडल तराना के वन परिक्षेत्र अधिकारी राकेश कुमार, पिता आर के गोनेकर, वन रक्षक नीरज उज्जैनी, कालू सिंह चौहान, लोकेश राठौर और साजिद खान के साथ आग लगने की सूचना पर 11 अप्रैल को उमरा झर कक्ष क्रमांक U8 पर पहुंचे थे, लेकिन यहां आग नहीं लगी थी। इसके बाद वे बारिश से पहले पौधारोपण के लिए जमीन देखने के उद्देश्य से निरीक्षण कर रहे थे। तभी ग्राम देवीखेड़ा निवासी बद्री पिता बापू गुर्जर, रामेश्वर पिता बद्री गुर्जर, कमल पिता थावर गुर्जर और दशरथ पिता बद्री गुर्जर वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। रेंजर राकेश गोनेकर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने घटना का वीडियो बना लिया। पथराव में रेंजर राकेश गोनेकर घायल हो गए। उनकी टीम के अन्य सदस्य जान बचाकर वहां से भागे। इसके बाद उन्होंने माकड़ोन थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है। 11 अप्रैल को मैं अपने कैंपा मस से जो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू के प्लांटेशन पे वृक्षारोपण के लिए जो जगह तैयार की थी, क्षेत्र तैयारी, उस क्षेत्र में कार्यों के निरीक्षण के लिए गया हुआ था स्टाफ के साथ। जब हम कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे तो इसी बीच देवीखेड़ा तरफ से 3-4 लोग आए गाली गलौज करते हुए। स्टाफ को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगे। हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि क्या समस्या है, आप बताएं अपनी समस्या जी, पर उन्होंने एक भी नहीं सुना। गाली गलौज के साथ पथराव शुरू कर दिया। तो स्टाफ उसमें बाल बाल बचा उनके पथराव से जी। फिर भी बद्री नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो पत्थर फेंका, तो वो मेरे एक वन रक्षक से बचता हुआ आके सीधे मेरे पैर पे लगा, जिससे मुझे पैर पे चोट खून निकल आया था जी। तो स्टाफ और मैं फिर पुलिस थाना माकड़ोन गए, वहाँ हमने उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई।
उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9997900113। फ्रीगन संपर्क 9997902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, क्योंकि स्कूलों द्वारा उन्हें तय की गई दुकान से चीजें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। जो भी स्कूल इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर प्राचार्य, संचालक और शाला प्रबंधन बोर्ड के संचालक भी दोषी माने जाएंगे। दरअसल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी स्कूल संचालकों एवं प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरी पुस्तकों की सूची स्कूल के परीक्षा परिणाम से पहले स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड कर पेरेंट्स को भी उपलब्ध करवाएं। पालकों को सूचीबद्ध पुस्तकें खरीदने के लिए स्कूल बाध्य नहीं करेंगे। किताब विक्रेता किसी भी क्लास के पूरे सेट को खरीदने के लिए पेरेंट्स को बाध्य नहीं करेंगे। कोई भी स्कूल 2 से अधिक यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं करेगा। ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा। यूनिफॉर्म में कम से कम 3 सत्र तक बदलाव नहीं होगा। वहीं वार्षिकोत्सव व अन्य आयोजन पर किसी भी प्रकार की ड्रेस खरीदने के लिए ना तो स्टूडेंट्स को मजबूर किया जाएगा और ना ही पेरेंट्स को। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग योजना के तहत ग्राम नीमनवासा, धतरावदा और लालपुर में TDS-3 और TDS-4 का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर UDA ने दावे आपत्ति का प्रकाशन किया था। इसके बाद आपत्ति लेने वाले किसान प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और CEO से बातचीत की। दरअसल UDA द्वारा TDS-3 और TDS-4 का कार्य किया जा रहा है। इसमें किसानों को जो समस्या आ रही है उसे लेकर वह CEO संदीप सोनी से मिले। किसानों ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा हम लोगों से 20% भूमि सड़क के लिए, 5% उद्यान और 5% भूमि अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहण कर ली गई है, जिस पर हमें आपत्ति है। उन्हें क्या परेशानी है, सुनिए किसान योगेंद्र सिंह सिसोदिया की जुबानी। चूंकि जो प्राधिकरण की भी योजना आई है, उस योजना में ऐसा प्रतीत होता है कि वापस से जो 50% किसान की बचेगी उसके अंदर से वापस हमको जमीन छोड़ना पड़ेगी। तो ये जो सरासर एक किसानों के साथ अन्याय है, इस बात को लेके हमारी जो आज खून पसीने की ये बाप दादाओं के हाथ की जमीन है, हम जो जमीन दे रहे हैं, तो जो 50% हम जमीन दे रहे हैं उसके बाद हमारे शासन से और प्राधिकरण से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इसके बाद किसान को कोई जमीन ना छोड़ना पड़े। इस प्रकार की लैंड पुलिंग का आश्वासन और लिखित में पत्र दिया जाए कि बाद में किसान परेशान ना हो। और नगर निगम के अधिकारियों के साथ भी जब हमारा नक्शा स्वीकृत किया जाएगा और विकास अनुमति ली जाए तो वहाँ पर भी हमको अन्य कोई आश्रय शुल्क या LIGEWS के लिए पैसे नहीं देना पड़े। इसमें नीमनवासा, धतरावदा और लालपुर, ये 3 गांव मुख्य रूप से नीमनवासा, लालपुर और धतरावदा आ रहे हैं। तो 3 गांव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और 3 गांव के किसान इस लैंड पुलिंग की योजना में सम्मिलित होकर काम भी करना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ इशू किसान के हैं जिसमें नुकसान, और हमने निवेदन भी किया है माननीय CEO साहब से कि आप हमारे बिंदु जल्दी क्लियर करके जल्दी काम चालू करें, जिससे शहर का विकास में और तेजी आए और आने वाले CST में उन रोडों का काम हम CST में उसका उपयोग कर पाए। इधर उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO संदीप सोनी ने कहा है कि दावे और आपत्ति के निराकरण के लिए समिति पहले से गठित है। आगामी दिनों में किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। देखिए, हम हमारी जो TDS-4 है उसका हम दावे आपत्ति का प्रकाशन किया है लास्ट मंथ, और उसमें सभी जो किसान भाई हैं उन सभी के साथ मिलकर उनकी आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात ही उसकी अगली स्टेप पे जाया जाता है। इसके लिए ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है और कमेटी में TNCP है, कलेक्टर सर के प्रतिनिधि हैं, नगर निगम से हैं, UDA हैं और स्टेट कंसल्टेंट हैं, वो सभी लोग हैं। अभी सभी की जो दावे आपत्तियाँ आई हैं
उस पर उनको इंडिविजुअली बुलाया जाएगा और उनसे चर्चा की जाएगी और उनका फाइनल डिस्पोजल किया जाएगा। जनरल बातें थी उनकी सुनी गई हैं और उनको वो जो सारी बातें हुई इनसे वो संतुष्ट हैं। लोगों से अगले स्टेप में मिलेंगे, उनको नोटिस देकर बुलाएंगे और जिन्होंने आपत्तियां दावे की उनको उनके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा परिणामों में विसंगति आने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय का घेराव किया गया। यहां कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की तथा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। जानकारी अभा वीपी के महामंत्री गौरव बेंडवाल ने दी है। मध्य प्रदेश आशा एवं आशा सहयोगिनी संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर राव विधायक जीतू पटवारी को ज्ञापन सौंपा। इस पर विधायक पटवारी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष निर्मला यादव, ममता कबीरपंथी, गायत्री वर्मा, नीता साहू आदि मौजूद थी। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे प्रशासनिक संकुल भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम करेंगे। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 18 अप्रैल को शाम 4 बजे प्रशासनिक संकुल भवन में होगी। अध्यक्षता कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।